एक सुंदरपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा सुंदर था। उसी गांव में एक सुंदर सा तालाब था। उसी तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां भी रहती थी। गांव के इंसान और मछलियां बड़े प्यार से रहती थी। गांव वालों को मछलियों से बड़ा लगाव था। सभी महिलाएं भी रोज के इस्तेमाल के लिए उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसी तालाब में एक बड़ा सा जहरीला सांप आता है। आते ही मछलियों को वो डराने लगता है। मछलियां भी डर के मारे भागने लगती है। वो मछलियों पर अपना जहर उगलने लगता है। सांप बोलता है, अब इस तालाब में मेरा राज चलेगा। अब यहाँ का मैं राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और वो तालाब के अंदर रहने लगता है। जहरीले नाक के जहर से तालाब का पूरा पानी भयानक जहरीला होता है। वो पानी पीने से सब जानवर मर जाते हैं। तालाब की बड़ी बड़ी मछली भी मर जाती है। ये सब देखकर सभी गांव वाले परेशान होते हैं। उसी नाक से डरने लगते हैं। गांव वाले बोलते हैं, देखो भाई, हमारे जानवर और मछलियां भी मर गई है। इसी जहरीले सांप से छुटकारा पाने के लिए हमें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। तभी हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तभी उनको गांव वालों की आवाज सुनाई देती है। वह बोलते हैं, लगता है मेरे भक्त संकट में है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो धरती पर निकलते हैं। हनुमान जी लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं, बोलो भक्तों, क्या समस्या है? जो भी है वो मुझे बताओ, आप लोग चिंतित ना हो। तभी गांव वाले पूरी कहानी हनुमान जी को बताते हैं। तभी हनुमान जी उनको बोलते हैं, आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूं क्या है। और तुरंत हनुमान जी तालाब में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। पानी के नीचे उसी सांप ने एक जादुई गुफा बनाई थी और उसमें वो रहता था। हनुमान जी को देखते ही वो सांप बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, हनुमान, तुम क्यों आया है इधर? मेरे शक्तियों का तुम्हें परिचय नहीं है क्या? जो भी यहाँ आएगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। और हनुमान जी बोलते हैं, तुम जैसे घमंडियों को मिटाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो सांप हनुमान जी पर अपने शक्तियों का वार करता है। उसके बाद हनुमान जी भी उस पर अपनी शक्तियों से वार करते हैं। दोनों में बहुत युद्ध होता है, पर सांप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। ये देखकर हनुमान जी अपनी शक्तियों से एक खतरनाक गरुड़ बनाते हैं। फिर क्या, वह गरुड़ उस सांप पर खतरनाक हमला करता है और वह हमला सांप सह नहीं पाता और आखिर में तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर में हनुमान जी तालाब का पानी अच्छा करते हैं।
और मछलियों को भी और जानवरों को भी वापस जिंदा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।